फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कृधास लाइफस्टाइल। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू डेकोपाज आर्ट। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एनडीएफ का कोस्टर है जिसे कि मैं अमेजोन से परचेज की हूँ। इस टाइप के डिफरेंट फॉर्म्स में आपको कटआउट्स मिल जाएंगे अमेजोन पे, जैसे कि आज मैं डेकोपाज कर रही हूँ। ये डेकोपाज टिश्यू है। आज इस डेकोपाज टिश्यू से हम डेकोपाज आर्ट करेंगे। डेकोपाज इज एन आर्ट फॉर डेकोरेटिंग एनी ऑब्जेक्ट। ये कंप्लीट टिश्यू फ्लोरल प्रिंट्स में है। ये इस तरह से देखने में है, ऑल ओवर एक जैसा। ये मॉड पॉच है। मॉड पॉच इज ए ग्लू फॉर पेपर, फैब्रिक एंड एनी अदर पोरस मटेरियल। मॉड पॉच एक्ट्स एज ए सीलर एंड इट इज कंप्लीटली वाटर रेसिस्टेंट। मॉड पॉच स्प्रेड करने के लिए मैं ये ब्रश का यूज कर रही हूँ। क्योंकि मेरे कोस्टर का साइज छोटा है तो मैं टिश्यू साइड से कट करके हाफ सेक्शन ले रही हूँ। ब्रश की हेल्प से पहले इस कोस्टर पे मैं मॉड पॉच स्प्रेड करूंगी। कंप्लीट मॉड पॉच अप्लाई करने के बाद ये टिश्यू पेपर को मैं सेपरेट कर रही हूँ। ये टिश्यू पेपर 2-ply पेपर है। इसे बैक साइड से पहले ये करके सेपरेट कर रही हूँ। इस तरह से सेपरेट होने के बाद अब इसको इस पे स्टिक कर रही हूँ। इसे धीरे धीरे अच्छे से प्रेस करते हुए चारों ओर से दबाते जाना है ताकि ये अंदर से इसका एयर बिल्कुल भी ना रहे अंदर में एयर, और ये अच्छे से स्टिक हो जाए। एज मॉड पॉच इज ए ग्लू एंड ए सीलर, मैं इसके ऊपर स्प्रेड दोबारा से कर रही हूँ और ये वाटरप्रूफ का काम करता है। कंप्लीट अप्लाई होने के बाद अब इसे मैं ड्राई होने के लिए रख रही हूँ। ये हमारा कोस्टर ड्राई हो गया है। अब इसे चारों ओर से कट करूंगी। ये मैं राउंड शेप में काट ली हूँ। कॉर्नर से मैं एक्स्ट्रा जो भी है उसे मैं निकाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसे प्रॉपर सील करूँगी मॉड पॉच की हेल्प से। इस तरह से लगाते जा रही हूँ ताकि ये कोस्टर के कॉर्नर एरिया में भी जो है प्रिंट आउट दिखे और ये प्रॉपर सील हो जाए। कंप्लीट सील करने के बाद अब इसे मैं ड्राई होने के लिए रख रही हूँ। ड्राई होने के बाद सी हाउ ब्यूटीफुल आवर कोस्टर इज लुकिंग। हमारा सारा कोस्टर डेकोपाज आर्ट से रेडी हो गया है।
प्रोजेक्ट के लिए मैं MDF का ट्रे ली हूँ। इसे भी मैं अमेज़ॉन से मंगवाई हूँ। इसके लिए मैं एक्रेलिक पेंट, पेंट ब्रश और डेकोपास टिशू ली हूँ। ये मैं रॉयल ब्लू कलर का ली हूँ क्योंकि टिशू का जो कलर है फ्लोरल कलर वो रॉयल ब्लू है। इससे मैं पहले पेंट करूँगी। चारों तरफ बाहर की साइड से मैं रॉयल ब्लू कलर से पेंट कर ली हूँ। अब मैं अंदर की तरफ से ये पेंट करूँगी। चारों तरफ से ट्रे को पेंट कर ली हूँ। अब मैं ड्राई होने के लिए इसे रख रही हूँ। बीच में मैं वाइट कलर का पेंट की हूँ। अब वाइट कलर का पेंट करने के बाद अब इसके ऊपर मैं मॉड पॉच अप्लाई कर रही हूँ। ट्रे के साइज अकॉर्डिंग मैं टिश्यू को कट कर ली हूँ। अब मैं सेंटर में इसे प्लेस कर रही हूँ। इसे अच्छे से दबा दबा करके स्टिक करना है। अब इसके ऊपर मैं मॉड पॉच अप्लाई कर रही हूँ ताकि हमारा ट्रे वाटरप्रूफ हो जाए। एंड हियर आवर ब्यूटीफुल फ्लोरल ट्रे इज रेडी। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मैं ये MDF का 3 प्लैंक ली हूँ जिसके कि 4 कॉर्नर्स में होल बने हुए हैं। इससे मैं वॉल हैंगिंग बनाऊंगी। ये 3 पीस का प्लैंक है और इसके लिए मैं ये डेकोपास टिश्यू ली हूँ जिसके ऊपर कोट्स लिखे हुए हैं। इसमें मैं 3 प्लैंक के कारण मैं 3 टाइप का कोट्स ली हूँ, 3 टाइप का डेकोपास टिश्यू ली हूँ। ये हमारा 3 कोट्स रिटन डेकोपास टिश्यू है। अब मैं एक्रेलिक पेंट ली हूँ वाइट कलर का इसको पेंट करने के लिए। इस प्लैंक को मैं वाइट कलर का बेस दूंगी। पेंट करने के लिए मैं ब्रश यूज करूंगी, फिर मोड पॉच एंड रोप इस होल में लगा के टाई करने के लिए। सबसे पहले मैं इस प्लैंक पे वाइट एक्रेलिक पेंट से पेंट कर रही हूँ। मैं एक्रेलिक पेंट से तीनों प्लैंक पेंट कर ली हूँ। अब इसे ड्राई होने के लिए रख रही हूँ। हमारा प्लैंक ड्राई हो गया है। अब इस पे मैं मॉड पॉच अप्लाई कर रही हूँ। अब इस प्रिंटेड टिश्यू को मैं सेपरेट कर रही हूँ। सेपरेट होने के बाद अब इस पे मैं प्लेस कर रही हूँ। ये हमारा प्लैंक रेडी हो गया है, प्रिंटेड प्लैंक। अब इसके ऊपर मैं मॉड पॉच दोबारा से अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये प्रॉपर सील हो जाए। एंड माय वॉल हैंगिंग इज रेडी। नॉट ओनली MDF आइटम्स बट यू कैन क्रिएट एनीथिंग न्यू विथ डेकोपास आर्ट। Thanks for watching. Hope you enjoyed our video. Please like, share and subscribe our channel. Stay safe, be happy and be creative. Meet you in the next video. Till then, bye-bye.